सो हाय गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फीडबैक में। दोस्तों यहाँ पे रियलमी 5S के अंदर आया है लाइफ का फर्स्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रियलमी 5S को खरीदेंगे देन उससे यहाँ पे जो कि ये वाला अपडेट आपको जो कि रिसीव होगा फर्स्ट टाइम के लिए। एंड उससे अगर आपके पास है रियलमी 5, दोस्तों यहाँ पे जो कि दोनों फ़ोन के अंदर एक जैसे यहाँ पे अपडेट जो कि पुश किया गया है रियलमी के ओर से, तो दोस्तों अगर आपके पास रियलमी 5S है या फिर रियलमी 5 है तो ये अपडेट जो कि यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो चुका है कुछ दिनों के अंदर, जो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड उससे अगर आपको यहाँ पे वेट नहीं करना चाहते तो आप जो कि अपने फ़ोन को यहाँ पे मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं। मैनुअली अपडेट का लिंक मैं दोस्तों आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जो कि पैकेज को डाउनलोड करने के बाद आप लोग एक बार से उसको मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि आप लोग इस वाले अपडेट को करने के बाद क्या कुछ देखने को मिलता है फिलहाल चेंज वगैरह, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहे। एंड तो वीडियो के बस से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी एक बार से आप लोग प्रेस कर देना। तो चलिए आज के वीडियो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है रियलमी 5S, जैसे कि आप लोग उसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड से यहाँ पे जो कि मैं आप लोगों को बिफोर अपडेट दिखाना चाहूँगा क्या कुछ है इस फ़ोन के अंदर। तो ये देखिए, जाते हैं हम लोग सेटिंग्स के अंदर। एंड से यहाँ पे जो कि हम लोग जाएंगे अबाउट फ़ोन में। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसकी वर्जन की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए 11_A.19 वाला एक वर्जन है अभी फिलहाल। एंड यहाँ पे जो कि आप लोग एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अवेलेबल देखने को मिलता है अक्टूबर 5 का। तो दोस्तों और भी कुछ नया नया जो कि आप लोग चेंजेस देखने को मिलेगा वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ अपडेट करने के बाद। तो दोस्तों ये फ़ोन हो चुका है फाइनली अपडेट, तो इसको करते हैं हम लोग अनलॉक। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपके पास है रियलमी 5 तो इन दोनों फ़ोन के अंदर एक जैसे यहाँ पे बिल्कुल एक अपडेट है रियलमी 5 एंड रियलमी 5S के अंदर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अभी तक अपडेट नहीं मिला तो आप लोग अपने फ़ोन को चूँकि मैनुअली अपडेट कर सकते हैं, तो मैनुअली अपडेट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर उस आप लोग जो कि सिंपल से वेट कर सकते हैं फॉर OTA अपडेट। एंड गाइज अगर आप लोग को ऑलरेडी अपडेट मिल चुका तो नीचे आप लोग एक बार से कॉमेंट सेक्शन में बता देना। तो दोस्तों अभी जो कि हम लोग फिलहाल जाते हैं सेटिंग्स के अंदर। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो अब मैं आप लोगों को बोला सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद उस यहाँ पे अबाउट फोन में। तो उस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए जो कि आपको एक मिलता है 11_A.20 वाला एक नया वर्जन जो कि पहले था 19 का। एंड यहाँ पे ये देखिए एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अवेलेबल जो कि आप लोगों को मिलता है एक नवंबर 5 का, जो आप लोगों का पहले था एक अक्टूबर का। तो उससे यहाँ पे कुछ फिलहाल सेटिंग्स के अंदर ये कुछ है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा मेजर क्या कुछ और चेंजेस है। तो दोस्तों यहाँ पे रियलमी 5S के अंदर दो एक्स्ट्रा चीज़ मिलता है इस वाले अपडेट को करने के बाद। ये है एक दोस्तों एक का आप लोग जैसे जाएंगे कैमरा के अंदर। एंड यहाँ पे अगर आप लोग का कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रहा था पोर्ट्रेट मोड में, अगर कुछ स्क्रीन दोस्तों यहाँ पे वाइट या फिर कुछ यहाँ पे रेड वगैरह कुछ हो जाता था, लेकिन दोस्तों इसका जो कि अभी फिक्स कर दिया गया इस वाले अपडेट को करने के बाद। एंड यहाँ पे जो कि ऑटो फोकस मोड को भी कुछ यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है पहले के मुकाबले। एंड गाइज यहाँ पे नेक्स्ट अगर मेजर चेंजेस की बात करें, तो जो आप लोगों का अगर फ़ोन रिबूट हो जाता था ऑटोमेटिकली अगर लो बैटरी रहता था, देन दोस्तों यहाँ पे इसको जो कि फिक्स किया गया है। एंड यहाँ पे अगर नेक्स्ट चेंज की बात करें यार, तो जब भी आप अपने डिवाइस के अंदर दोस्तों यहाँ पे हेडफोन को यहाँ पे प्लग करते थे, देन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के साइड से कुछ टच में अगर प्रॉब्लम था तो उसको भी जो कि यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। एंड यहाँ पे जो कि बड़ा चेंज ये है कि जैसे आप लोग दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करेंगे, एंड यहाँ पे आप लोग जैसे ही जाएंगे इस वाले टूल के अंदर, देन यहाँ पे जो कि आप लोग को दिखाई देगा डार्क मोड का ऑप्शन। तो उससे यहाँ पे जो कि इसका डिमांड था बहुत दिन से, इसको जो कि अभी फिलहाल ऐड कर दिया गया रियलमी 5 एंड रियलमी 5S के अंदर। तो इसको जो कि आप लोग ड्रैग करके ऊपर भी ला सकते हैं। तो ये देखिए मैं उससे यहाँ पे इसको जो कि डाल देता हूँ अभी फिलहाल, एंड इसको जो कि कर देते हैं एक बार से डन। एंड उससे यहाँ पे जैसे हम लोग इसको नीचे करेंगे, एंड उससे यहाँ पे जो कि हम लोग को शो करेगा डार्क मोड। एंड अभी दोस्तों आप अपने डिवाइस के अंदर वन टैप में दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोग डार्क मोड को एनेबल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो कि डार्क मोड एनेबल हो चुका है। एंड उससे यहाँ पे आप लोग फिर से इसको जो कि रिमूव भी कर सकते हैं कुछ यहीं से, देखिए इसमें आप लोग क्लिक कीजिए तो उससे यहाँ पे जो कि आप लोग डार्क मोड चला गया। तो उससे अभी जो कि फिलहाल आप लोग को डार्क मोड एनेबल करने के लिए सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो उससे यहाँ पे जो कि पहले हम लोग को रियलमी लेबोरेटरी में जाना होता था, देन उससे यहाँ पे जो कि हम लोग को डार्क मोड को यहाँ पे एनेबल कर सकते थे, लेकिन उससे अभी जो कि आप लोग फिलहाल वन टैप के अंदर डार्क मोड को एनेबल कर सकते हैं इस वाले अपडेट को करने के बाद। तो ये जो कि है एक मेजर चेंज अभी फिलहाल रियलमी 5 एंड रियलमी 5S के लिए। तो दोस्तों ये वाला अपडेट आप लोगों को कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड से वीडियो अगर पसंद है वीडियो की वजह से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी एक बार से आप लोग प्रेस कर देना। मिलते हैं दोस्तों, बाय एंड एज यूजुअल जय हिंद।